इज माई वॉइस क्लियर टू यू? बच्चों, स्टूडेंट्स, इज माई वॉइस क्लियर टू यू? पापा है, आवाज क्लियर है? यस मैम। सो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्टूडेंट, लास्ट टाइम वी वर रीडिंग टेंसेस। जैनब, क्या हो रहा है? आप, कृति, सौम्या सब आ रहे हो, जा रहे हो? मैम मेरा कनेक्शन बार बार कट जा रहा है। जब आप लोग कनेक्ट किया करिए क्लास में, तो उसके पहले अपना मोबाइल एक बार रीस्टार्ट कर लिया करिए, या फिर उसको फ्लाइट मोड ऑन करके ऑफ कर दिया करिए, ताकि आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा स्टेबल रहे। सो व्हाट वर वी रीडिंग लास्ट टाइम इन द क्लास? टेंसेस। सो कहाँ तक हो गया था कृति टेंसेस में? मैम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस का पूरा टेंस एंड हो गया था। यस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेंसेस एंड यू हैव टू ट्रांसलेट ऑल दी टेंसेस। सो सबसे पहले टेक अ रफ कॉपी एंड पेन। रफ कॉपी एंड पेन ले लीजिए। Firstly, you have to translate in your copy and then I will ask you the question और आपको फिर answer करना है, ठीक है? कृति, सौम्या, जैनब, rough copy ले लीजिए, question पूछेंगे, उसका translate करिए और मुझे answer बताइए। So this will be the test, ठीक है? Kind of a test of tenses। चलो, first sentence है, वह दौड़ता है, बताइए। What will be the translation of this sentence? वह दौड़ता है। मैम, he is running। बच्चे, is, am, are, ये आपका सिर्फ continuous tense में आएगा। We are discussing about present indefinite tense। So here no helping verb is used when we are talking about affirmative tense। सिर्फ interrogative और negative में ही आपका helping verb आता है, do or does। Singular के साथ does, plural के साथ do। Last time class में जो आपको translate कराया था, rules बताया था, उसको write down किया था copy में? हाँ, तो किया था, तो उसी के according answer करिए। So वह दौड़ता है का answer होगा he runs, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस है, वह खाती है। मैम, शी इज ईटिंग। इज कहाँ से आया? इज और आईएनजी कहाँ से आ गया कृति?
क्यों आप लोग लर्न नहीं करते हो? जो आपसे कहा गया था लर्न करने के लिए वो भी आपने नहीं लर्न किया। वह खाती है का ट्रांसलेशन क्या होगा? कौन बता रहा है? मैम शी ईट, शी ईट्स सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस एड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? शी ईट्स। नेक्स्ट है बरसात होती है। बताइए बरसात होती है। मैम हाँ बोलो। बरसात होती है। बरसात के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वर्ड वो है इट। आपको पता है थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बेबीज के लिए इट का यूज करते हैं, तो बरसात के लिए क्या करेंगे? इट इट रेन्स। रोहन खेलता है, बताइए क्या होगा? हम रोहन प्ले, प्ले नहीं होगा, प्लेज हो जाएगा, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे। रोहन प्लेज। लड़की नाचती है। मैम गर्ल डांस, द गर्ल डांसेस। लड़का पढ़ता है। मैम बॉय, द बॉय रीडिंग रीड्स, रीड्स, द बॉय रीड्स। फिर लड़का खाना पकाता है। मैम बॉय कुक्स, करेक्ट, वेरी गुड, द बॉय कुक्स। फिर तुम दौड़ते हो। मैम यू रन, यू रन, करेक्ट। हम खाते हैं। वी ईट, वेरी गुड। दे प्ले, वे खेलते हैं। मैं नाचता हूँ। मैम आई एम डांस, एम कहाँ से आ गया? ता है, ती है, ते है, में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब तब यूज करेंगे जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा, वो भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब? डू या डस। सो मैं नाचता हूँ का क्या होगा ट्रांसलेशन? मैम आई डांस, वेरी गुड, आई डांस। फिर लड़कियां गाती हैं। मैम गर्ल्स सिंग, द गर्ल्स सिंग, करेक्ट। लड़के खाना पकाते हैं। मैम द बॉय कुक, क्या द बॉयज? मैम कुक, कुक्स कहाँ से हो जाएगा बेटा? प्लूरल है, प्लूरल के साथ कुक होगा। द बॉय कुक द फूड, द बॉयज कुक द फूड। पक्षी उड़ते हैं। पक्षी, मैम बर्ड्स फ्लाई, करेक्ट, द बर्ड्स फ्लाई। राम और श्याम पढ़ाई करते हैं। हम राहुल श्याम रीड, राम एंड श्याम रीड।
वे खेलते हैं। मैम दे प्ले करेक्ट, वेरी गुड, दे प्ले। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट है, मैं एक लेटर लिखता हूँ। मैम आई राइट अ लेटर। वेरी गुड, आई राइट अ लेटर। वे मैदान में खेलते हैं। मैम दे प्ले इन द ग्राउंड। दे प्ले इन द ग्राउंड, करेक्ट। तुम एक गाना गाते हो। मैम यू सिंग अ सॉन्ग। यू सिंग अ सॉन्ग। फिर इस कंपनी को मेरा भाई चलाता है। इस कंपनी को मेरा भाई चलाता है। सोचिए क्या होगा इस कंपनी को मेरा भाई चलाता है। सो द ट्रांसलेशन विल बी माई ब्रदर रन्स दिस कंपनी। फिर मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट करता हूँ। मैम आई ट्रांसलेट फॉर यू। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं निगेटिव पर। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज राम पत्र नहीं लिखता है। मैम राम नॉट राइट अ लेटर। हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया? निगेटिव और इंट्रोगेटिव। हाँ फिर से बोलो। राम एक लेटर नहीं लिखता है। राम इज नॉट राइट अ लेटर। इज नहीं आएगा। ता है ती है ते है में इज कभी नहीं आएगा। डू और डज आएगा, एस या ईएस उसमें लगेगा, अगर सिंगुलर प्लूरल है अफर्मेटिव में। अगर नेगेटिव है इंट्रोगेटिव है तो एस या ईएस भी नहीं लगेगा, सिर्फ डू और डज लगेगा। सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। सो राम एक लेटर नहीं लिखता है का ट्रांसलेशन क्या होगा? मैम राम मैम डज नॉट राइट अ लेटर। हाँ करेक्ट, राम डज नॉट राइट अ लेटर। फिर वो गाली नहीं देता है। बताइए, वो गाली नहीं देता है। गाली देने का इंग्लिश होता है अब्यूज। He does not abuse. Very good. He does not abuse. Next, लड़का झूठ नहीं बोलता है। मैम does not speak lies. The boy does not tell a lie. Next, मेरा friend यहाँ नहीं आता है। My friend does not come here. My friend does not come here.
खाना नहीं खाते हो। मैम यू नॉट यू डज नॉट ईट फूड. यू डू नॉट ईट द फूड। राधा डांस नहीं करती है। राधा डज नॉट. राधा डज नॉट आगे डांस. डांस। कृति जैनब बिल्कुल भी आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। घर में बैठ के क्या करती रहती हो दोनों में? आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आ रहा है, बाकी चीजों में सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोगों को ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आ रही। पता नहीं एक तो किसने आप बच्चों से कह दिया है कि सिर्फ साइंस और मैथ ही टफ होता है, इंग्लिश मत पढ़ो। इंग्लिश आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो, जबकि सारा सब्जेक्ट आपको इंग्लिश के थ्रू ही आएगा। इंग्लिश पढ़ने से ही आप इंग्लिश बोल पाओगे, लेकिन आप लोगों का कोई ध्यान ही नहीं है इंग्लिश पे, स्पेशली ग्रामर पे। जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आ रहा है, तो बाकी के टेंसेस कैसे करोगे बच्चों? सबसे सिंपल टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आपको ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ना वर्ब की थर्ड सेकंड फोर्थ फॉर्म लगानी है। सिर्फ आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज लगाना है बस, और कुछ भी नहीं लगाना इसमें। आप लोगों का ध्यान ही नहीं है, पता नहीं क्या सोच रहे हो आप लोग कि इंग्लिश में कुछ रखा ही नहीं है, इंग्लिश कुछ टफ है ही नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंग्लिश है। जब तक इंग्लिश नहीं आएगी, तब तक साइंस कैसे पढ़ोगे, मैथ कैसे पढ़ोगे? एक भी ट्रांसलेशन आप लोग कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाए हो अभी तक। जब हमने आपको बोला है कि आपको याद कर लेना है, लर्न कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, तो घर पे पता नहीं क्या करती हो। किसी चीज का वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है। अब है, मैं किसी का किडनैप नहीं करता हूं। मैम आपने क्या बोला? मैम मैं किसी का किडनैप नहीं करता हूं। नॉट किडनैप एनीवन. बेटा रूल्स कहाँ पर लिखे हैं आपने? हमने आप लोगों को लास्ट टाइम पूरा एक एक ट्रांसलेशन बताया है, कहा था कि इसका रूल्स याद कर लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना। आई के साथ डज क्यों लगेगा? हमने बोला है सिंगुलर के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा। आई होता तो सिंगुलर है, आई और यू सिंगुल, यू तो सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन इन दोनों को हम ग्रामेटिकली प्लूरल की तरह यूज करते हैं। आई के साथ कभी भी डज नहीं लगेगा, आई के साथ डू लगेगा। आपने सुना होगा आई डोंट नो। आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? आई डू नॉट नो। आई के साथ कभी भी डज नहीं लगेगा, डज हमेशा सिंगुलर में लगेगा। ही शी इट मोहन सोहन सीता गीता इन सब के साथ डज लगेगा, लेकिन आई बी यू दे इन सब के साथ हमेशा डू लगेगी। सो मैं किसी का किडनैप नहीं करता हूं का ट्रांसलेशन क्या होगा? आई जो डू नॉट मैम आई डू नॉट किडनैपिंग किडनैप किडनैप एनीवन, किसी का मतलब एनीवन। आई डू नॉट किडनैप एनीवन। नेक्स्ट, क्या तुम पढ़ते हो? बताइए क्या तुम पढ़ते हो? मैम. डू यू रीड? वेरी गुड कृति। नेक्स्ट, क्या वे खेलते हैं?
आपने क्या बोला? क्या वे खेलते हैं? करेक्ट जैनब, डू दे प्ले। नेक्स्ट, क्या मैं तुम्हें जानता मैम डू आई नो यू? वेरी गुड, डू आई नो यू। क्या वह चलता है? मैम डू शी वॉक ही वॉक्स? बेटा, क्या वह चलता है का मतलब है किसके बारे में बात हो रही है? लड़की के मैम बारे में कि लड़के के बारे में? तो लड़के लड़का है, के बारे सिंगुलर है कि प्लूरल? मैम प्लूरल कैसे प्लूरल है? क्या वह पढ़ता है में मतलब हम कई लड़कों के बारे में बोल रहे हैं, क्या वह पढ़ता है? नहीं, मैम सिंगुलर है। क्या वह पढ़ता है का मतलब कि एक लड़के की बात हम कर रहे हैं। सो सिंगुलर के साथ डज लगेगा, डज ही वॉक। क्या वह चलता है? डज ही वॉक। फिर क्या बारिश होती है? बारिश क्या होगा? मैम टू इट देखो, हिंदी में नहीं समझ में आता आपको कि क्या है। क्या बारिश होती है, तो इसका होती है का मतलब कि सिंगुलर की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो डज लगेगा। क्या बारिश होती है, अगर क्वेश्चन पहले पूछ लेंगे तो ट्रांसलेशन में हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, तो क्या वह क्या बारिश होती है का स्टार्ट करेंगे हम डज से। और बारिश है, थिंग है, तो बारिश के लिए क्या है? इट, नेचुरल चीज है ना, तो ये इट है। सो डज इट रेन? क्या बारिश दिन होती है? डज इट रेन? घंटा क्या लड़का रोता है? क्या क्लास करेंगे लड़का रोता है? बेटा, मैम मैम टू बॉय क्राइंग लड़का मैम टू बॉय क्राइंग राइट रोता है सिंगुलर है कि प्लूरल है? I'm singular. एक जगह पर लिख लो ना, एक जगह पर लिख लो कि सिंगुलर के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा। एक जगह पर कहीं पर लिख लो रूल्स। तुक्का मारने से अच्छा है कि आप बात को समझिए। जब तक बात को समझोगे नहीं, तब तक चीजें कैसे दिमाग में जाएंगी? बार बार आप लोग सिंगुलर में डज डू लगा दे रहे हो, जबकि सिंगुलर में डज लगेगा, प्लूरल में डू लगेगा। सिंगुलर का मतलब पता नहीं है क्या? सिंगुलर का मतलब होता है किसी एक के बारे में बात होती है, प्लूरल का मतलब होता है कई लोगों के बारे में बात होती है। तो अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं कि क्या लड़का रोता है, तो हिंदी तो समझ में आती है ना। हिंदी में ये क्या है, क्या लड़का रोता है का मतलब है कि किसी एक लड़के के बारे में पूछ रहे हैं, क्या लड़का रोता है। अगर हम बोलेंगे क्या लड़के रोते हैं, तो ये प्लूरल है। लेकिन हिंदी में बोल रहे हैं क्या लड़का रोता है का मतलब है कि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? मैम डस लगेगा। तो क्या लड़का रोता है का इंग्लिश क्या हो जाएगा? मैम डज द बॉय क्राई? हाँ, क्या ड्राइवर गाड़ी चलाता है? मैम डज द ड्राइवर ड्राइव अ कार? वेरी गुड। नेक्स्ट, क्या रोहन बस से आगरा जाता है? क्या मैम डज रोहन गो आगरा बाय बस? वेरी गुड।
क्या तुम नाचते हो? कैसा मैम, डज यू डांस? बेटा तुम मतलब प्लूरल, यू मतलब प्लूरल होता है। लिख लीजिए कहीं पर, आई यू वी दे, ये सब प्लूरल है। आई वी यू दे, ये सब प्लूरल है। ही शी इट, रोहन सोहन मोहन सीता गीता, ये सब सिंगुलर है। सो आई वी यू दे क्या है? प्लूरल है। सो प्लूरल के साथ हम लोग डू लगाते हैं। सो क्या तुम नाचते हो का ट्रांसलेशन क्या होगा? मैम, डू यू डांस? करेक्ट। अब क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस कैसे बनेगा? वह क्या करता है? डे डू? वह क्या करता है? वह की इंग्लिश डे नहीं होती है। वह की इंग्लिश क्या होती है बताइए? ही ही होती है। वह क्या करता है? तो इससे समझ में आता है कि वह क्या करता है, मतलब कि लड़की लड़का की बात हो रही है। अगर हम बोलते वह क्या करती है तो हमको समझ में आ जाता कि लड़की की बात है। हम बोल रहे हैं वह क्या करता है, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन बताइए। मैम, ही डज डू? वह क्या करता है? क्वेश्चन अगर बीच में है तो ट्रांसलेट करते समय क्वेश्चन को बाहर लिखेंगे सबसे पहले। अगर क्वेश्चन में क्या वह करता है पहले क्या आता, तब हम लोग क्या की जगह पर हेल्पिंग वर्ब लगाते। लेकिन अगर क्वेश्चन बीच में है कि वह क्या करता है, तो क्या को हम पहले लाएंगे। मैम, व्हाट ही डू? वॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आप लोगों ने एक बार भी टेंस को नहीं पढ़ा है, बस हम बोल दे रहे हैं आप तुक्का मार दे रहे हैं। बिना पढ़े कोई मिरेकल नहीं होगा बच्चों, बिना पढ़े नहीं आएंगे। ये ट्रांसलेशन बहुत आसानी से आप लोगों को कर लेना चाहिए था। वह क्या करता है का इंग्लिश हो जाएगा वॉट डज ही डू। वह कहाँ जाती है, सो वेयर डज शी गो। श्याम तुम्हें क्यों बुलाता है, व्हाई डज श्याम कॉल यू। वह किसे ढूंढता है, हुम डज ही सर्च। किसे का इंग्लिश होता है हुम। जॉन पानी में कैसे तैरता है, सो हाउ डज जॉन स्विम इन वॉटर। वे यहाँ कब आते हैं, वेन डू दे कम हियर। तुम किसके घर जाते हो, हूज हाउस डू यू गो। उसे कौन पढ़ाता है, सो हु डज टीचर्स हिम। नेक्स्ट, वह कितनी किताबें रखता है, सो हाउ मेनी बुक्स डज ही है, मतलब उसके पास कितनी किताबें वो रखता है। सो हाउ मेनी बुक्स डज ही है। फिर बकरी कितना पानी पीती है। अब पानी के लिए क्या आएगा, मच। तो हाउ मच वॉटर डज द गोट ड्रिंक। फिर वह अपने पेरेंट्स से क्यों बात नहीं करता है, सो वाई डज
ही नॉट टॉक टू हिज पेरेंट्स? फिर क्या सोहन गाना नहीं गाता है? सो डज सोहन नॉट सिंग अ सॉन्ग? सो दैट इज इट फॉर टूडे. नेक्स्ट क्लास में आई होप कि आप लोग ये जो टेंसेज है इसको रिवाइज करके आओगे. चलो दैट इज इट फॉर टूडे. आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. वी विल डू फर्दर ट्रांसलेशन. ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. Bye, ma'am.